आप लोग इस बेचारे को क्यों मार रहे हैं? ये बड़ा हरामजादा आदमी है, हर औरत को शारदा शारदा कहकर लपकता है। हम इसे मार डालेंगे। नहीं प्लीज, आप लोग इन्हें मत मारिए, मैं इन्हें संभाल लूंगी। आप लोग जाइए प्लीज, चलो मत मारिए। बाबा बाबा उठिए, रिक्शा उठिए। शारदा कौन है? कौन है ये शारदा? तुम कौन हो बेटी? किसकी फोटो है ये? ये मेरी शारदा है। अब तुम पूछोगी कि शारदा कौन है? शारदा ही तो मेरे जीवन का संपूर्ण सत्य है। मेरी हंसी, मेरे आंसू, मेरी जाग, मेरी नींद, सभी कुछ तो ही है। उसी को तो मैं खोजता फिर रहा हूं और लोग और लोग मुझे पागल समझकर पत्थर मारते हैं। मगर आप उन्हें ढूंढ क्यों रहे हैं? उसे बताने के लिए कि उसके साथ मेरी मजबूरी ने बड़ा अन्याय किया। क्या अन्याय किया? सपनों की तरह उसे मैं अपनी आंखों में समेट कर भागा, अपने घरों से दूर एक अनजानी बस्ती में पनाह ली। तो पता चला हमारा प्रेम सीमाएं पार कर चुका है, हमें फौरन शादी कर लेनी चाहिए। मैंने शारदा से कहा कि तुम दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ, मैं फौरन किसी पंडित को ढूंढकर शुभ मुहूर्त निकलवाता हूं। ऐसी लिपटी खड़ी रहोगी तो मैं जिंदगी भर पंडित की तलाश में नहीं जा सकता। जाऊं? पंडित जी ने अगले ही दिन का मुहूर्त निकाला था। मैं बहुत खुश था, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी बदनसीबी पेड़ों की ओट में खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। वो जो माल भगा के लाया है, जरा हमें भी तो चखा। जबान संभाल कर बात कर, समझे? अबे कमीशन ले लेना साले। अरे काहे को मरता उसके लिए, वो तेरी बहन लगती है क्या? है? Yeah.
सत्य प्रकाश को कत्ल के जुर्म में यह अदालत ताजी रात हिंद जेरे दफा 302 10 साल की सजा देती है। मुझे 10 साल की सजा हो गई लेकिन मैं अपनी शारदा के लिए परेशान हो रहा था। जेल से कई खत लिखे कोई जवाब नहीं आया। एक अनजान बेदर्द शहर उसमें एक मासूम बेसहारा औरत और वो भी गर्भवती न जाने किन हालात का सामना कर रही होगी। वो जिंदा भी है या उसने आत्महत्या कर ली। इन्हीं ख्यालों से मैं दीवाना हो गया और उसी दीवानगी के आलम में मैंने जेल से भागने की कोशिश की मगर पकड़ा गया और उन्होंने मुझे पागलखाने में डाल दिया। मगर मैं तो बस अपनी शारदा का हाल जानने के लिए पागल हो रहा था और आज भी यही आरज़ू यही तमन्ना लिए मैं दर बदर भटकता फिर रहा हूं। और अब अगर वो मिल भी गई तो क्या करोगे बाबा? अपने आंसू से उसके पांव की धूल धोऊंगा और उसकी खोई हुई जिंदगी के कुछ लम्हे वापस लौटाने की कोशिश करूंगा। अगर उसने मेरा इंतजार छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर ली है तो शायद मैं खुशी से मर जाऊंगा। और क्या चाहिए मुझे? मगर तुम तो कह रही थी उन्होंने तुम्हारी माँ जी को। वो मेरा ख्याल था, कुछ माँ से सुना और जो कुछ उन पर बीती उससे यही नतीजा निकलता था कि पिताजी ने उन्हें धोखा दिया। माँ कहती थी कि उसी शाम जब पिताजी पंडित जी से बात करने गए वो खुशी खुशी अपने आप को दुल्हन बनाने लगी कि उसी वक्त कौन है आप लोग? तुम्हारे पति के मित्र है जाने मन और ये बताने आए हैं उसका इंतजार करना बेकार है, अब वो नहीं आएगा। क्या मतलब? उसका तो यही काम है, लड़कियों को गांव से पत्नी बनाकर ले आता है और यहाँ हमारे हाथों बेच देता है। तुम्हारे उसे 2000 दिए हैं जाने? ये झूठ है। अभी तो इस पर 1000-2000 और खर्च करने होंगे। ये फूला हुआ पेड़ देखकर ग्राहक लोग घबरा जाएंगे, भाग जाएंगे। इसे गिराना होगा। चलो अमरता, चलो। अब क्या किया जाए राममोहन? हम दोनों ने जबरदस्ती माँ का ब्याह करवा दिया और अब अचानक पिताजी अतीत के अंधेरे से बाहर निकल आए हैं। पिताजी की सजा तो समझो और बढ़ गई ना। अब मैं उनसे कैसे कहूँ कि पिताजी आपने आने में बहुत देर कर दी, लेकिन माँ को ये बात बताना जरूरी है ना? मेरी तो यह राय नहीं है स्वाति, माँ के लिए हमें नर्क क्यों बनाए? अब वो किसी और की ब्याहता है। कम से कम माँ को यह तस्कीन तो हो जाएगी कि पिताजी लौट आए, उन्हें यह बताना बहुत जरूरी है। ये कंजीवरम साड़ी है, आनंदी के डैडी ले आए थे। अरे ऐसा नहीं। अच्छा मम्मी ये बताइए, कपड़े के नीचे कपड़ा, जब सारा कपड़ा उतरा तो बताइए क्या निकला? सच पूछो तो ठेंगा निकला। क्या अनशन पहेलियां बुझाती है? कपड़े के अंदर से वही निकलेगा जिसने कपड़ा पहना होगा। यही तो पहेली है जनाब। मुझे नहीं पता। प्याज माय डियर मम्मी, प्याज। और उसके बाद ये लाल चंदन
हाय स्वाति। हाय स्वाति। मम्मी एक मिनट मेरे साथ आना। मैं अभी आई। मम्मी डैडी वापस आ गए हैं। कौन? सत्य प्रकाश मेरे पिताजी। क्या क्या तू पागल हो गई है? आज जब मैं इस घर में एक नई जिंदगी पाकर इतनी खुश हूँ, तू मुझे रुलाना चाहती है? नहीं माँ, नहीं। मैं तो पिताजी के चेहरे पर भी खुशी देखना चाहती हूँ। माँ माँ वो तुम्हारी खोज में 18 बरस से पागलों की तरह भटकते फिर रहे हैं। ये झूठ है, मैं नहीं मानती। ये उनकी चाल है, जरूर किसी बुरी नीयत से आए हैं वो। उन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम माँ। वो तो ये भी नहीं जानते कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो ये सच है? हाँ माँ, अगर तुम एक बार अपनी आंखों से उनकी हालत देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल सच्चे हैं। हम ही ने उन्हें बिल्कुल गलत समझा। वो तुम्हारी वजह से जेल गए और वहां से छूटे तो तुम्हारे गम में ही पागल हो गए। तब से वो गलियों की खाक जानते फिर रहे हैं, बस दिल में एक ही इच्छा लिए हुए कि बस एक बार उन्हें अपनी शारदा मिल जाए तो वो अपने आंसुओं से उसके पांव धोकर अपनी उस अन्याय की माफी मांगे जो उसके साथ उनकी मजबूरी ने की थी। अब मैं क्या करूं? जिनका इंतजार मैंने बरसों तक किया, अब वो आ गए, मैं क्या करूं? तुम उनसे मिलकर बस इतना कह दो कि तुम बहुत खुश हो, उनकी तमन्ना पूरी हो जाएगी, वो हंसी खुशी चले जाएंगे। मैं किस हैसियत से उनसे मिलूं स्वाति? मिसेस राजेंद्र प्रसाद होने के नाते से, ये तुम्हारी माँ होने के नाते, जो भी मैं करूं इस पवित्र धागे का अपमान हो जाएगा और ये मैं जिंदगी भर नहीं कर सकती। वो बहुत बीमार है माँ, वो तुम्हें एक नजर देखने के लिए तड़प रहे हैं। अगर तुम उन्हें ना मिली वो मर जाएंगे। अच्छा भाभी, ऐसा लगता है ये आनंदी अपने पति को पहेलियां खिला खिला कर उसका पेट खराब कर देगी। हाँ देखिए, अंकल की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई है, मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। क्या हुआ है इन्हें? अब सब ठीक है स्वाति, डोंट वरी, आई विल टेक केयर। अंकल इन्हें क्या हुआ है? अच्छी खबर नहीं है स्वाति, लुकीमिया है, थर्ड स्टेज। बचने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन ये है कौन? ये राममोहन के रिश्ते में दूर के अंकल हैं। इनकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है। क्यों नहीं? तुम जो हो साथी, तुमने ही तो कहा था कि दुनिया का कोई भी रिश्ता इंसानियत के रिश्ते से बड़ा नहीं। लेकिन मुझे मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस आदमी की आत्मा पर कोई बहुत बड़ा बोझ है, ये किसी चीज के लिए तड़प रहा है।
अगर हमें पता चल जाए कि उसकी क्या तमन्ना है और अगर हम उसे पूरा कर सकें तो यह आदमी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन शांति से गुजार सकेगा। अच्छा, स्वाति भी राममोहन के साथ आई थी? राममोहन से ज्यादा परेशान तो स्वाति थी, पल भर के लिए भी नहीं हटी वहां से। मैंने सिखाया भी कि बेटे देखभाल के लिए नर्सेज हैं, लेकिन उसने जैसे मेरी बात सुनी नहीं। गुड मॉर्निंग। माँ, तुम? स्वाति, चार दिन में क्या हालत बना ली है, कितनी थकी थकी सी लग रही है। ठीक तो हूँ माँ, मगर तुम यहाँ क्यों आई? सुना है राममोहन के अंकल की तबीयत बहुत खराब है, मैं देखती हूँ। नहीं माँ, तुम नहीं जानती। मैं क्या नहीं जानती? क्या मैं यह अस्पताल नहीं जानती, यहाँ के स्टाफ को नहीं जानती? कल तक मैं यहाँ नर्स थी, मैं देख कर आती हूँ। माँ, अरे कहाँ चले गए, कमरे में तो नहीं है? हाँ, शायद बाहर वॉक करने चले गए। हाँ, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आकर मिल लूंगी। स्वाति, आनंदी का बया सर पर आ गया है और तुम यहाँ सेवा में लगी हो। सेवा अच्छी चीज है बेटी, लेकिन आनंदी के बया की तैयारियों में तुम्हें हाथ भी बटाना चाहिए ना। माँ, मैं शादी के दिन जरूर आऊंगी, पर अभी जब वो मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, मगर जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, ऐसे जीने से क्या फायदा? आपकी क्या ख्वाहिश है बाबा? हाँ, बहुत सी ख्वाहिशें हैं। बताइए, मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हूँ। पहली ख्वाहिश शारदा के दर्शन, दूसरी ख्वाहिश शारदा के दर्शन, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5000वीं ख्वाहिश शारदा के दर्शन। गिनती खत्म हो जाएगी, मगर ये ख्वाहिश बची रहेगी, शारदा के दर्शन। अंकल, किसी भी तरह उन्हें बचा लीजिए अंकल। कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ बेटी, लेकिन राममोहन के अंकल के लिए तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो, रो क्यों रही हो? उनके लिए मेरे सिवा कोई रोने वाला है जो नहीं। क्या? जो लोग उनके पास थे वो दूर जा चुके हैं। तो क्या राममोहन अपने अंकल को? नहीं, मैं राममोहन की बात नहीं कर रही, उनकी जिंदगी उनसे दूर होकर कहीं और जा चुकी। कहाँ? आपके घर। मेरे घर? जी अंकल,
मैं अपनी माँ की बात कर रही हूँ। आपके वो मरीज मेरे पिता है अंकल, मेरे पिता है। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया स्वाति? मैं अभी जाके मम्मी को बुलाता हूँ। नहीं अंकल, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए अंकल। मेरी माँ को आपने एक नई जिंदगी दी, घर दिया, इज्जत दी। अब अगर माँ को पता चल गया कि मेरे पिताजी एक नेक और शरीफ इंसान है और उन्होंने माँ के लिए अपनी सारी जिंदगी गंवा दी, तो वो ये सहन नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी। अंकल, हमारे संस्कार में सैकड़ों देवताओं की पूजा की जाती है, मगर एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसका भगवान होता है। अगर माँ को मालूम हो गया कि उसका एक दूसरा भगवान भी है, तो वो कैसे जिएगी? अभी अभी तो माँ के आंसू खुश्क हुए हैं, ये कड़वी सच्चाई बताकर उन्हें जीते जी मत मारिए अंकल, प्लीज प्लीज अंकल। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत है। मम्मी को मत बताइए, प्लीज मत बताइए, प्लीज। स्वाति, मैं एक डॉक्टर हूँ और इस वक्त तुम्हारी मम्मी से ज्यादा मुझे अपने मरीज का ख्याल है, और एक मरते हुए मरीज के अजीजों को उसकी हालत बताना मेरा फर्ज बनता है। अंकल, क्या आप एक बार ये नहीं भूल सकते कि आप डॉक्टर हैं, आप एक पति भी हैं और अपनी पत्नी की रक्षा करने की आपने शपथ ले रखी है। मेरे डैडी तो यूं भी मरने वाले हैं। अंकल, एक जिंदगी मौत से ज्यादा अहमियत रखती है, तो क्या मम्मी की जिंदगी का आपके लिए कोई मतलब नहीं? क्या एक डॉक्टर के नाते मम्मी की जान बचाना आपका फर्ज नहीं? प्लीज अंकल, ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज मम्मी को मत बताइए, प्लीज अंकल मत बताइए। अच्छा अच्छा, रो मत स्वाति, जाओ अपने डैडी के पास जाओ, और जिस तरह मां बनकर तुमने अपनी मम्मी को एक नई जिंदगी दी, उसी तरह अब मां बनकर अपने डैडी की सेवा करो। स्वाति, मैंने तुम्हें अपनी सारी ख्वाहिशें गिनवा दी हैं, एक रह गई है, सिर्फ एक। वो क्या है बाबा? मैं मरने से पहले तुम्हारी मां के दर्शन करना चाहता हूं बेटी, क्योंकि उसकी बेटी मुझ जैसे की सेवा ऐसे कर रही है जैसे मैं उसका कोई लगता हूं। मेरी इतनी सी आरज़ू पूरी करोगी? मेरी मां, तुम डरती हो कि वो मुझे पहचान लेगी? बाबा, मुझे डैडी कह बेटी, मुझे डैडी कह। तुम ये समझती हो कि ये जानने के बाद
तुम्हारी माँ ने डॉक्टर साहब से शादी कर ली है। मैं उसके सौभाग्य से चल जाऊंगा। नहीं बेटी नहीं, तब तो अपने डैडी को समझी नहीं। मैंने 18 वर्ष चलने के लिए तपस्या नहीं की है बेटी। तेरा ये कर्ज मैं इस जन्म में तो नहीं उतार सकूंगा, इसलिए भगवान से मेरी ये प्रार्थना है बेटी कि अगले जन्म में मैं तेरा बेटा बनकर जन्म लूं, ताकि तेरी इस सेवा का बोझ मैं कुछ हल्का कर सकूं बेटी, जो तूने मेरे इस बुढ़ापे पे लादा है। मैंने तुझ में तेरी मां को देख लिया है बेटी। बस डैडी, डैडी, डैडी। सत्यप्रकाश, मैं आपको आपकी शारदा से जरूर मिलवाऊंगा। अंकल, यहां बैठिए अंकल। आप यहां आराम से बैठिए। तुम्हारी मां कहां है बेटी? वो नीचे ब्याह के काम में फंसी हुई है। मैं नीचे जाती हूं, नहीं तो मां मुझे ढूंढती हुई यहां आ जाएंगी। अच्छा राममोहन, डैडी का ख्याल रखना। तुम चिंता न करो स्वाति। सुनती है तू? ऐसे खुशी के मौके पर कैसी साड़ी पहन रखी है? ठीक तो है माँ, जरा इधर आओ। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, कोई अच्छी सी साड़ी पहन कर आ। जा। कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। Thank you.
डैडी, डैडी, आपने माँ को देख लिया ना डैडी? अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम दोनों किसी और शहर में जाके रहेंगे। आपने बहुत मुसीबतें झेली हैं डैडी। हालात ने आपके साथ बड़ा अन्याय किया है। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करके चुकाना चाहती हूँ। चलिए डैडी। डैडी, अंकल, डैडी, स्वाति, अंकल, स्वाति तुम्हें डैडी चल बसे। मैं तुम्हें रोने को मना तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी मम्मी को रोने की क्या वजह बताओगी? आंसू पूछो, तुम्हारी मम्मी आ रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बिया नीचे हो रहा है और सारा परिवार यहाँ जमा है। ये कौन है? ये राममोहन के अंकल हैं। शादी देखने की जिद कर रहे थे तो हम लोग यहाँ ले आए। और बेचारे का देहांत भी हो गया है बेचारा। लोग कहते हैं मरे हुए आदमी में भगवान होता है। आओ हम सब इनके चरण छूकर आनंदी के लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए आशीर्वाद लें।